सोतेली माँ और मलमल का जादुई लहंगा। ब्रिटेन राज्य में ओरा नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। ओरा जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद ओरा अपनी चाची रेहाना के साथ रहती थी। रेहाना बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो ओरा पर बहुत अत्याचार करती थी और उसे ठीक से खाने तक को नहीं देती थी। लेकिन ओरा बहुत ही विनम्र और समझदार लड़की थी। वो बिना कुछ बोले अपने चाची की हर बात मानती थी। ओरा, अरे कहाँ मर गई? जी चाची, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ मेरे लिए बिरयानी बनाकर लेकर आओ। पर चाची, अभी का खाना तो मैंने बना दिया है और बिरयानी बनाने में अभी काफी समय लगेगा। मैं कल आपके लिए बिरयानी बना दूंगी, अभी आप यही खाना खा लीजिए। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं अभी आपके लिए बिरयानी बनाकर लाती हूँ। अगले दिन, ओरा ये लो, ये सामान का कुछ लिस्ट है, इसे शाम तक तैयार कर देना। आज मेरे घर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और मैंने शाम को घर में पार्टी रखी है, जिसकी सारी तैयारियाँ तुम्हें करनी है। ध्यान रहे, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? वो सब मैं नहीं जानती, बस शाम तक सारा बंदोबस्त हो जाना चाहिए। इतना बोलकर रिहाना वहाँ से चली जाती है और ओरा कामों में लग जाती है। ओरा चुपचाप अपने चाचे से बिना किसी शिकायत के उसकी हर बात माना करती थी। अगले दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रहा था। रिहाना खुद को ठंडा रखने के लिए पंखा कर रही थी, वही ओरा धूप में बैठ कर धान को सुखा रही थी। तभी उसकी चाची उसे कहती है, ओरा तुम कितने धीरे धीरे काम कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कर तो रही हूँ चाची, ये धान ही इतना है कि वक्त लग रहा है। तुमने मुझे पलटकर जवाब दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब तुम शाम तक इन सारे धान का चावल तैयार करोगी, समझी? चाची, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? चावल तो मशीन में बनते हैं ना, फिर आखिर मैं इसे हाथ से कैसे कर सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती, अगर तुमने ये नहीं किया फिर मैं तुम्हें रात का खाना नहीं दूंगी, समझी? इतना बोलकर रेहाना वहाँ से चली जाती है। ओरा धूप में धान सुखा रही थी, धान बहुत सारा था। उसे सुखाने में ही ओरा का पूरा दिन गुजर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं इतनी जल्दी इतने सारे धान का चावल कैसे बनाऊँ? प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, मैं ये नहीं कर सकती, भगवान मेरी मदद करो। ओरा ये बोलकर रो ही रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट होती है और ओरा से ही बोलती है, हाय ओरा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हो? मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी, तुम मदद के लिए किसी को पुकार रही थी ना? बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? नहीं नहीं शुक्रिया, आप ये नहीं कर पाओगी, आप जाओ। किसने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगी? और तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, ये सब मैं कर दूंगी। ओरा सुबह से काम करके बहुत थक गई थी, वो उस लड़की की बात सुनकर वहीं पर सो गई। तभी उस लड़की ने कुछ जादू किया और देखते ही देखते सारा धान खिलखिलाते हुए चावल में बदल गया। गुड नाइट मेरी दोस्त, इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। सुबह चाची रेहाना के चिल्लाने की आवाज सुनकर ओरा की आंखें खुली। हे भगवान, चाची चावल तो किस, सारा धान का चावल बन गया है। तभी उधर से रेहाना भी आ जाती है। महारानी, अभी तक काम हुआ क्या? तुमने ये सारा काम कर दिया? जी चाची, मैंने ये सारा धान का चावल बना दिया। अपनी चाची की तरह ओरा भी बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने अपनी चाची को ये जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि उसके चाची को उस पर यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास सच को स्वीकारने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन रेहाना ओरा को आजमाने के लिए उसे एक तालाब के पास ले गई। ओरा, कल तो तुमने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिखाया, लेकिन अब तुम्हें इस चलनी से पूरे तालाब के पानी को खाली करना है, समझी, वो भी आज शाम तक। क्या, पर ये कैसे संभव है, इस चलनी में तो इतने सारे छेद हैं। तुम्हारे लिए धान का चावल बनाना संभव हो सकता है तो ये क्यों नहीं, जितना कहा गया है उतना करो, वरना मैं तुम्हें एक हफ्ते तक खाना नहीं दूंगी। इतना बोलकर रिहाना वहाँ से चली जाती है। ओरा बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उस चलने से उस तालाब का पानी एक दिन में तो क्या अगले 7 जन्मों में भी खत्म नहीं होने वाला है। पर अगर मैंने ये नहीं किया फिर तो मुझे 7 दिनों तक भूखे ही रहना होगा। कोई तो मेरी मदद करो।
कैसी हो ओरा? हम जब भी मिलते हैं तुम हमेशा रोते ही रहती हो, क्या बात है? हे प्यारी लड़की, तुमने वो उस दिन कैसे किया था? ओ मेरे प्यारे दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ, इस बार तुम्हें क्या परेशानी है मुझे बताओ। फिर ओरा उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ये बात है, फिर तुम क्यों रो रो कर इस तालाब को और भरने में लगी हुई हो? एक काम करो, तुम थोड़ी देर घूम कर आ जाओ, ये चलनी मुझे दो, मैं इसे करती हूँ। अब तुम जाओ और वादा करो तुम मुझे देखोगी नहीं। उस लड़की की बात सुनकर ओरा वहाँ से चली जाती है। वो लड़की जरूर एक परी होगी। हाँ वो एक परी ही है, मुझे उससे मिलना होगा। ओरा वापस उस तालाब के पास आती है, लेकिन अब उस जगह पर ना तो तालाब थी और ना ही वो लड़की। ये तालाब ये तो खाली हो गई और वो लड़की भी चली गई। तभी रेहाना वहाँ आती है और तालाब को सूखा देखकर हैरानी से कहती है, ये तुमने कैसे किया? इस चलने से और कैसे, आपने ही तो मुझे ये चलने दिया था। अगले दिन उसकी सौतेली चाची गुस्से से उसे एक बंजर जमीन के पास ले गई। पहले दोनों काम तो तुमने किसी तरह से कर लिया, इस बार तुम एक महल बनाओगी समझी, वो भी इस बंजर जमीन पर। एक महल? किंतु ये तो नामुमकिन है। चुप करो, अगर महल तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। ओरा फिर से सोच में पड़ गई। मैं ये नहीं कर सकती, ओ प्यारी जादू लड़की प्लीज मेरी मदद करो। क्या बात है दोस्त, आज तुमने कोई रोना धोना नहीं किया, बहुत बढ़िया। हे दयालु परी, पहले भी आपने मेरी मदद की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें क्या करना है? प्यारी लड़की, इस बार मुझे एक विशाल महल बनाना है, वो भी कल तक। बस इतनी सी बात, तुम अपने घर जाओ और शाम को अपने चाची को लेकर यहाँ आ जाना, तुम्हें महल मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अब अपने चाची को रोको, उसे और मनमानी करने मत दो, अब जाओ। जैसे ओरा वहाँ से गई, उस जादू लड़की ने एक जादू किया और वहाँ पर एक विशाल महल बनकर तैयार हो गया। जब शाम को ओरा अपनी चाची के साथ वहाँ आई तो वे दोनों महल के चकाचौंध को देखकर हैरान रह गए। दोनों महल के भीतर गई, उसकी चाची महल के कोने कोने को अच्छे से देख रही थी। तभी वे दोनों महल के तहखाने में पहुंच गए। तभी ओरा ने मौका देखकर तहखाने को बंद कर दिया। ओरा ये क्या बदतमीजी है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं चाची, मैं आपको बाहर नहीं निकालूंगी, ये मेरा महल है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, आप मुझ पर और ज्यादा जोर नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। ओरा उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसकी सौतेली चाची सदा के लिए वहाँ से चली जाती है और कभी मुड़कर ओरा की तरफ नहीं देखती। ओरा महल में आराम से रहने लगती है। एक दिन ओरा बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे एक खूबसूरत राजकुमार दिखाई देता है। हेलो प्यारी लड़की, मैं हूँ राजकुमार विवान, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ जंगल में शिकार करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो पश्चिम की यात्रा कर अपने राज्य की तरफ लौट रहा हूँ, बस थक गया था इसलिए यहाँ आ गया। मुझे पशु पक्षी का शिकार करना पसंद नहीं, हमें कोई हक नहीं कि हम किसी से किसी का जीने का हक छीने। हाँ मेरा मानना भी यही है, यहाँ पास ही मेरा महल है, आप चलकर वहाँ आराम कर सकते हैं। विवान बहुत ही अच्छा राजकुमार था। ओरा और विवान की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्यार हो गया और दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला किया। ओरा ये लो, ये मलमल का लहंगा है, मैं चाहता हूँ हम अब जब भी मिले तो तुम मुझे इसी मलमल के लहंगे में मिलो। देखो मैं जल्दी अपने पिता से शादी की अनुमति लेकर तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, अपना ध्यान रखना। विवान ओरा से विदा लेकर अपने राज्य आ गया। विवान आखिर तुम वापस आ ही गई। विवान अब मुझे तुमसे और दूर नहीं रहा जा रहा। विवान मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर विवान ने लैला को ओरा के बारे में बताया और ये भी बताया कि ओरा और वो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर लैला गुस्से से पागल हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, विवान तुम्हारे पिताजी तो राज्य से बाहर गए हैं, अब जाते जाते आखिरी बार मेरे साथ चाय पीकर तो जा ही सकते हो ना।
और फिर लैला बड़ी ही चालाकी से विवान के चाय में सम्मोहन वाली दवाई मिलाकर उसे पिला देती है। विवान अब पूरी तरह से लैला के वश में हो जाता है। वो वही करता है और सुनता है जो लैला कहती है। जल्द ही राज्य में लैला और विवान की शादी की घोषणा हो गई। अरे तुमने सुना, पड़ोस के राज्य की राजकुमारी लैला और विवान की शादी होने वाली है। हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ सुना है। वही दूर खड़ी औरा भी उनकी बातें सुन लेती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विवान मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर वो लैला से शादी क्यों कर रहा है? क्या उस टाइम उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, फरेब था सब? औरा रो रही थी तभी फिर से वो जादुई लड़की प्रकट होती है। ओह मेरी प्यारी दोस्त, तुम फिर से रो रही हो। औरा ने रोते हुए उसे विवान के बारे में बताया। औरा मैं विवान को अच्छे से जानती हूँ, वो इस तरह का इंसान नहीं है, लगता है उसे किसी ने सम्मोहित किया है। सम्मोहन? फिर तो मुझे जल्द विवान के ऊपर से इस सम्मोहन को तोड़ना होगा। हाँ तुम ये कर सकती हो क्योंकि प्यार में बहुत ताकत होती है और तुम अपने प्यार से ही इसे तोड़ सकती हो। तुम उसके लिए जादुई मलमल के लहंगे को पहनकर उसके पास जाओ और प्यार के जादुई शब्द उससे कहो। अब जल्दी जाओ। और आज जल्दी से उस जादुई मलमल के लहंगे को पहनती है और जल्दी विवान के राज्य की तरफ निकल जाती है। वो जल्दी ही विवान के महल में पहुंच जाती है जहां शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। और आज जल्दी से महल के अंदर गई, सबकी नज़र औरा पर ही थी। जैसे ही विवान ने औरा को देखा उसे सब कुछ याद आने लगा। विवान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ चलो विवान। और फिर विवान सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए औरा के साथ उसके महल में आ गया। लैला बस उसे जाते हुए देखती रह गई। और फिर परी ने औरा और विवान की शादी करवा दी और दोनों उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। राजा की पूछ वाली काली बेटी। सुंदरगढ़ राज्य के राजा महेंद्र सिंह के घर वर्षों बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी माहिरा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं छोटी बेटी सायरा बहुत ही ज्यादा काली थी। हद तो तब हो गई जब सायरा थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पीछे एक बंदर के जैसे पूंछ बनी हुई थी, जिस वजह से सायरा को हर कोई काली बंदरिया कहकर चढ़ाया करते थे। सायरा का यूं कुरूप रंग रूप और उसके पूंछ को देखकर हर कोई उस पर हंसा करता था, जिस वजह से राजा और रानी को भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। सायरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से अपने कमरे में जाओ। माँ मैं दीदी के साथ खेलने जा रही थी। क्या कहा? माँ इस पूंछ वाली काली बंदरिया को अच्छे से समझा दो, मैं इसकी बहन नहीं हूँ, वो तो मेरी बदकिस्मती है जो ये मेरे साथ पैदा हो गई। और तो सुन पूंछ वाली बंदरिया, खबरदार जो मुझे अपनी बहन कहा तो, एक बार तो अपने आप को देख और मुझे देख, कहाँ से तू मेरी बहन लग रही है। सायरा बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, कमरे से बाहर मत निकला करो, एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? चलो अब जल्दी से अपने कमरे में जाओ। सायरा उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रानी रूपवती से मिलने उसकी सहेली भानुमति उसके महल आती है। अरे आओ आओ भानुमति, और बताओ तुम्हारा युवराज कैसा है? युवराज? अरे वो तो चांद का टुकड़ा है, मेरा बेटा हीरा है हीरा, होगा भी कैसे नहीं, आखिर वीर खानदान का इकलौता वारिस जो है। वैसे तुम्हारी भी तो बेटी है ना, राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मेरी बेटी वो देखो, ये है मेरी बेटी माहिरा। माहिरा नहीं माँ, राजकुमारी माहिरा। अरे वाह, जितना सोचा था उससे बढ़कर पाया है, परी की तरह सुंदर है तुम्हारी बेटी, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी ये दोस्ती एक दिन रिश्तेदारी में जरूर बदलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी उधर से सायरा भागते हुए बाहर आ जाती है। हे भगवान, अरे रूपवती ये तुम्हारे महल में इतनी काली और ये बंदर की तरह पूंछ वाली लड़की कौन है? ये सुनकर रूपवती थोड़ा रुक जाती है और फिर कहती है, अरे ये हमारी दासी की बेटी है, इसका अब कोई रहा नहीं तो अब से ये हमारे यहाँ ही रहती है। छी रूपवती, तो इस काली बंदरिये को अपने साथ महल में क्यों रखी है? दासी है तो दासी के कक्ष में बोलो रहने के लिए, इसे देखकर एक पल को तो मैं डर ही गई थी। एक तो दिखने में इतनी काली है, ऊपर से इसका ये अजीब सा पूंछ, जानवर से कम नहीं लग रही। क्यों माहिरा बेटा? बिल्कुल सही कहा रानी माँ आपने। ये सुनकर सायरा को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में आकर रोने लगती है।
हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? आखिर मेरी गलती क्या है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? लोग तो कहते हैं राजकुमारियां तो मेरी बहन माहिरा की तरह सुंदर होती है, फिर मैं भी तो राजकुमारी हूँ, फिर मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ? और मेरा ये पूंछ, ये बंदरों सा पूंछ सिर्फ मेरा ही क्यों है? सायरा के मन में लाखों सवाल थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इधर महल में राजा और रानी को भी सायरा को लेकर अक्सर शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। महाराज, सायरा की कुरूपता और उसका पूंछ समय के साथ साथ और भी बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उसे इतने सारे वैद्य से भी दिखा लिया लेकिन सब व्यर्थ हो गया। वैद्य जी का कहना है कि उसका ये पूंछ वाला बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। महारानी, तो हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो हमारे और हमारे राज्य के शर्मिंदगी का कारण बने। पर महाराज, अब हम कर भी क्या सकते हैं? एक रास्ता है, हमें इस पूंछ वाली कुरूप लड़की को किसी सुनसान जंगल में छोड़ आते हैं। ये सोचकर राजा ने सायरा को बुलाया। बेटा, क्या तुम हमारे साथ शिकार पर चलोगी? जी पिताजी, मैं चलूंगी, मैंने आज तक कभी बाहर का दृश्य नहीं देखा है। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। राजा और राजकुमारी दोनों घोड़े पर बैठकर जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। राज्य से काफी दूर एक घना जंगल पड़ता था। राजा सायरा को वहाँ ले जाता है। सायरा बेटा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कोई शिकार दिखाई दिया फिर तुम्हें आकर ले चलूंगा, तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है? ठीक है पिताजी, जल्दी आइएगा। राजा जल्दी से अपने घोड़े पर बैठकर और सायरा को वही जंगल में अकेला छोड़ महल वापस आ गया। रानी, मैंने उस मनहूस कुरूप पूंछ वाली बेटी को जंगल में छोड़ दिया है, आज से हमारी एक ही बेटी है माहिरा। अच्छा किया आपने, वैसे भी उसकी वजह से हम सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। चलिए, आप थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। इधर जंगल में सायरा अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे जंगल में रात हो गई, पर राजा वापस नहीं आया। ये देखकर सायरा घबरा गई। हे भगवान, इतनी देर हो गई, पर पिताजी अब तक नहीं लौटे, कहीं पिताजी कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गए? हे भगवान, मेरे पिताजी की रक्षा करना, कहीं किसी जानवर ने पिताजी पर हमला तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, मैं खुद ही चलकर देखती हूँ। ये सोचकर सायरा जंगल में इधर उधर भटकने लगी। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? सायरा ने बहुत आवाज लगाई लेकिन उसे कहीं भी राजा दिखाई नहीं दिया। वो बहुत निराश हो गई और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो सायरा को बहुत जोरों की भूख लगी। क्या करूं, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे कहीं से कोई फल खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत तेज भूख लगी है। राजकुमारी फल की तलाश में जंगल में और भी ज्यादा अंदर चली गई, जहाँ उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने उस पेड़ में से फल तोड़े और उसे खाकर अपनी भूख मिटा ली। दिन भर सायरा जंगल में अपने पिताजी को ढूंढती रही लेकिन उसे कहीं भी उसके पिताजी नहीं मिले। लगता है अब पिताजी मुझे लेने कभी वापस नहीं आएंगे, अब मुझे इसी जंगल में रहना पड़ेगा। सायरा ने जंगल में अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगी। सायरा को जंगल में रहने वाले प्यारे प्यारे खरगोश बंदर सबसे दोस्ती हो गई, जिसके साथ वो पूरा दिन खेलती और रात को अपनी झोपड़ी में जाकर सो जाती। एक दिन सायरा को जंगल में एक हिरण दिखा जिसको कई सारे तीर लगे हुए थे। सायरा ने उस हिरण को उठाया और अपनी झोपड़ी में ले गई और उसके शरीर से तीर निकालकर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। उसने जैसे ही उस हिरण के तीर निकाले, वो हिरण एक परी में बदल गई। तुम कौन हो बेटी, और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम सायरा है और मैं राजा महेंद्र सिंह की बेटी हूँ। मैं उर्वशी परी हूँ और मुझे एक साधु ने श्राप देकर हिरण बना दिया था, लेकिन आज तुम्हारे सच्चे और नेक दिल की वजह से मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल गई। बेटी, ये क्या, तुम्हारे पास ये बंदर जैसा पूंछ क्यों है? ये सुनकर सायरा रोने लगी। पता नहीं परी जी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी भगवान ने मुझे ये सजा दी है। एक तो मैं इतनी काली बदसूरत हूँ, ऊपर से मेरा ये काला रंग शायद इसी वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता, और तभी मेरे पिताजी भी मुझे इस सुनसान जंगल में मरने के लिए अकेला छोड़ दिए।
देखो बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। और किसने कहा तुम सुंदर नहीं हो? तुम्हारा दिल सोने जैसा है और तुम बहुत ही प्यारी हो। और खबरदार जो खुद को अकेला समझा तो, मैं हूँ ना, अब से मैं भी तुम्हारे साथ इसी जंगल में रहूंगी। और फिर सायरा परी के साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगी। सायरा को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो परी अपनी जादू से उसे वो लाकर दे दिया करती थी। उधर महल में राजा की तबीयत काफी दिनों से बहुत खराब रहने लगी और उसकी तबीयत में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था। राजमाता, आखिर हुआ क्या है इन्हें? इन पर दवाइयों का कोई असर क्यों नहीं हो रहा? इस महल पर घोर संकट आने वाला है महारानी। तुम लोगों ने अपनी बेटी को जंगल में मरने के लिए छोड़कर अच्छा नहीं किया। ये सब उसी का परिणाम है। तुम लोगों के कर्मों की सजा वो मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। हमारी गलती? राजमाता, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए, आखिर हमसे कौन सी भूल हुई है? ये तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो रानी। याद करो, आज से ठीक 18 साल पहले जब तुम गर्भवती थी और बगीचे में टहल रही थी, उस समय बगीचे में कालिका नाम की काली परी थककर एक पेड़ की शाखा पर सो रही थी। तुमने उसकी निंद्रा भंग करते हुए हंसते हुए उससे कहा था। कालिका परी, आपको क्या हो गया जो आप आजकल परीलोक छोड़कर ये बंदरों की तरह पेड़ पर सो रही हो? कहीं काली होने की वजह से परीलोक से आपको निष्कासित तो नहीं कर दिया गया? ये सुनकर कालिका परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से रानी परी को श्राप दे देती है। तुम्हें अपने रंग और महल पर बहुत गर्व है ना रानी, लेकिन तुम्हारी अपनी ही संतान ऐसी होगी जिसे तुम्हें सबके सामने बेटी मोलने में भी शर्म आएगी। वो काली बंदर की जैसी पूंछों वाली होगी। ये मेरा श्राप है। हाँ राजमाता, लेकिन मैंने उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए महायज्ञ भी तो करवाया था और सभी परियों से उस भूल के लिए क्षमा भी तो मांगी थी। लेकिन उसका श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ईश्वर ने तुम्हें दो बेटी दी, जिसमें तुम्हारी छोटी बेटी क्रूर बंदर की तरह पूंछ वाली हुई। वो आपकी गलती थी महारानी, और आप लोगों ने अपनी गलती से बचने के लिए उस मासूम को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। ये सब उसी का नतीजा है। राजा तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक आप राजकुमारी सायरा को वापस महल नहीं ले आते। ये सब सुनने के बाद राजा और रानी दोनों को अपनी गलती पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे महाराज, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई और आपकी इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। इधर सायरा आज सुबह से ही बहुत उदास थी। सायरा, क्या हुआ? आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? परी जी, मुझे मेरी माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे माँ पिताजी के पास पहुँचा देती हूँ। नहीं परी जी, मेरी माँ पिताजी को मेरी वजह से हर जगह शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मेरे इस रोग की वजह से हर कोई मेरा और मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाता है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें ये शर्मिंदगी फिर से झेलनी पड़े। अरे बुद्धू, मैं हूँ ना, तुमने मेरी जान बचाई है, फिर इतना तो मेरा फर्ज बनता है। ये देखो, अब बताओ। परी जैसे ही अपना जादुई छड़ी घुमाती है, सायरा एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। क्या ये मैं हूँ? और मेरी पूंछ गायब हो गई? आपको बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अब चलो, अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं और राजमहल में आ जाते हैं। माँ, पिताजी। सायरा बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया बेटा, हमें माफ कर दे। देख, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी की क्या हालत हो गई। बेटा, अपने इस बाप को भी माफ कर दे जो अपने ही हाथों से तुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ आया। माफ कर दे बेटा। माँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। जो भी हुआ है मैं उन सब चीजों को भूल चुकी हूँ। आप लोग भी भूल जाइए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मेरी पूंछ वाली बीमारी भी खत्म हो गई है और मैं महिरा दीदी की तरह ही सुंदर हो गई हूँ। ये सब सुनकर रानी सायरा को अपने गले से लगा लेती है। परी राजा को ठीक कर देती है और फिर सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें।
तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।